Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, मैं हूँ सौम्या राठौर और आप देख रहे हैं WNN News। तुतीकोरिन में स्टारलाइट कॉपर के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर गोलीबारी में 11 की मौत। तमिलनाडु के तुतीकोरिन में विरोध प्रदर्शन कर रही जनता पर गोली चलाने पर तमिलनाडु सरकार की कड़ी आलोचनाएं हो रही है। पुलिस ने विरोध कर रही जनता पर गोली चलाई जिसमें कुल 11 लोग मारे गए हैं। बता दें कि तमिलनाडु में स्टारलाइट प्लांट के खिलाफ विरोध प्रदर्शन को 100 दिन हो गए और ये विरोध अचानक शुरू नहीं हुआ है, ये दशकों पुराना है। ये विरोध ताजा प्लांट के विस्तार को लेकर शुरू हुआ है। इसमें प्रदर्शनकारी स्टारलाइट कॉपर प्लांट को बंद कराने की मांग कर रहे हैं। डीएमके ने इसकी जलियांवाला बाग हत्याकांड से तुलना की है, तो आइए जानते हैं आखिर क्या है ये पूरा मामला। तमिलनाडु के तुतीकोरिन जिले में आम लोग सड़कों पर उतर आए हैं क्योंकि वहां की एक कॉपर फैक्ट्री यूनिट के कारण वहां के लोगों को प्रदूषण का दिन रात सामना करना पड़ता है। जब लोग सड़क पर शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे थे तो वहां की पुलिस ने उनके ऊपर गोली चला दी। इस फायरिंग से दर्जन भर लोगों की जान चली गई है। इस प्रोटेस्ट को विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज, फिल्म स्टार कमल हसन ने भी सपोर्ट किया है। जिस प्लांट का विरोध किया जा रहा है वो हर साल 4 लाख टन कॉपर का उत्पादन करता है, लेकिन इस प्लांट ने आने वाले साल में इस उत्पादन को दुगना यानी कि 8 लाख टन करने का निर्णय लिया है। इस प्लांट के खिलाफ पहले भी विरोध प्रदर्शन हो चुके हैं और इसके लिए सितंबर 2010 में मद्रास हाई कोर्ट के आदेश दिए थे, लेकिन कंपनी हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई जहां सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। हालांकि तुतीकोरिन प्लांट 27 मार्च से बंद है। कंपनी का कहना है कि प्लांट की राखों के लिए प्लांट को 15 दिन के लिए बंद किया है। संजोग की बात यह है कि प्लांट को चलाने की आखिरी तारीख 31 मार्च है। साफ हवा और पानी की मांग करने वाले पर इस तरह गोली चलाना हमारे समाज के लिए गहरे चिंतन का विषय है। Please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video.